गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंटोक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरेज के बारे में। आखिर कौन कौन से एक्सरे आते हैं, कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, आखिर में क्या डिफरेंस होता है और हमें परचेज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, तो इन वीडियो में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं एक्सरे के बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मार्केट में कौन कौन से एक्सरे आते हैं। मार्केट में बेसिकली दो टाइप के एक्सरे आते हैं, एक एसी एक्सरे और एक डीसी एक्सरे। तो बेसिकली एसी एंड डीसी एक्सरे में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बहुत टेक्निकल नहीं बट बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको एसी एंड डीसी चूज करने में बेनिफिट रहे। एसी एक्सरे बेसिकली एसी एक्सरे का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये आपके लो रेंज में अवेलेबल होते हैं। बट एसी एक्सरे के क्या ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें जो आपका एक्सपोजर टाइम होता है वो आपका ज़्यादा लगता है। अब एक्सपोजर टाइम ज़्यादा क्यों लगता है, बिकॉज अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपका इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है। तो इसमें आपकी सॉफ्ट रेज भी होती हैं और हार्ड रेज भी होती हैं। तो एसी एक्सरे में जो सॉफ्ट रेज निकलती हैं उनका एक्सरे डेवलप में कोई रोल नहीं होता है, बट यही एक्सरेज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं और इसी सॉफ्ट रेज एंड हार्ड रेज की वजह से आपका एक्सपोजर टाइम ज़्यादा लगता है। बट यही काम अगर आप डीसी एक्सरे पे करते हैं तो इसमें सॉफ्ट रेज नहीं होती हैं और यही आपका जो एक्सपोजर टाइम होता है इन्हीं सॉफ्ट रेज की वजह से ना होने की वजह से आपका डीसी एक्सरे में एक्सपोजर टाइम कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस आपका एसी एंड डीसी एक्सरे में ये है। बात करते हैं अब रेट की, तो एसी एक्सरे बेसिकली आपके चीपर होते हैं, वो आपके करीब 18,000 से स्टार्ट होकर 35,000 के बीच आपको काफ़ी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं डीसी एक्सरे की, तो डीसी एक्सरे बेसिकली में टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी कॉस्टली होते हैं एंड आपके 1 लाख से स्टार्ट होकर 1.5 लाख रुपये तक के बीच आते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एसी एंड डीसी एक्सरे चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरेज के मॉडल्स की कि मार्केट में कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो मार्केट में 4 टाइप्स के आपको मॉडल अवेलेबल मिलेंगे। एक आपका बॉल माउंट होगा, एक फ्लोर माउंट होगा, एक आपका सीलिंग माउंट होगा, एक पोर्टेबल एक्सरे होगा। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, आप अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग आपको एसी एक्सरे या डीसी एक्सरे चूज़ करना होगा। प्लस इसमें भी आपको देखना होगा कि आपको कौन सा लेना है, कि वॉल माउंट लेना है, फ्लोर माउंट लेना है, सीलिंग माउंट लेना है या फिर पोर्टेबल एक्सरे लेना है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बेसिकली एसी और डीसी एक्सरे कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के आते हैं और आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। अगर आपकी इसमें और ज़्यादा कोई इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर भी प्लेस करना है तो हमारे पास सारे टाइप के एक्सरेज अवेलेबल हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी एक्सरे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।